हेलो वेलकम दोस्तों, मैं किशोर, आप देख रहे हो राधे बीट्स। और आज के इस वीडियो में हम आपसे बात करने वाले इसी वीवो V19 के बारे में। तो प्लीज़ वीडियो को बिना स्किप किए एंड तक देखे रहे, और आप हमारे चैनल पे नए हो तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि ऐसे वीडियो हम आप तक पहुँचाते रहे। तो दोस्तों मैं पहले आपको बता दूँ, ये मेरे पास डेमो फ़ोन है, ये ओरिजिनल मोबाइल नहीं है। तो यहाँ पे आपको 4 कैमरा सेटअप देखने को मिलता है, जो कि मेन कैमरा है 48 मेगापिक्सल का, वाइड एंगल कैमरा है 8 मेगापिक्सल का, डेप्थ कैमरा है 2 मेगापिक्सल का, और दूसरा 2 मेगापिक्सल का कैमरा है जो कि माइक्रोशॉट के लिए। तो दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हो सिल्वर कलर में मेरे पास मोबाइल है, और इसकी साइड में देखोगे आपको तो पावर अनलॉक का आपको बटन देखने को मिलता है, ठीक उसके ऊपर वॉल्यूम प्लस माइनस का दो बटन देखने को मिलते हैं। और दोस्तों यहाँ पे हम नीचे की तरफ बात करें तो यहाँ पे टाइप सी का सपोर्ट आपको देखने को मिलता है, वो भी 33 वाट के फास्ट चार्जर के साथ। ठीक उसके पास में है एक हेडफोन जैक, प्यारा सा 3.5 mm वाला, और एक स्पीकर दिया गया है। तो दोस्तों इसकी स्टोरेज की यहाँ पे दोस्तों मैं आपको बात करूँ तो इसमें 8 GB रैम प्लस 128 GB स्टोरेज देखने को मिलता है। और इसकी बैटरी की मैं यहाँ पे बात करूँ तो आपको 4500 mAh की इसमें बैटरी देखने को मिलती है, और यह सिम इजेक्ट रल वाला टूल, तो ये यहाँ से आप सिम और मेमोरी कार्ड डाल सकते हो। और दोस्तों बात करते हैं इसकी आगे की, तो यहाँ पे आपको एक माइक्रोफोन देखने को मिलता है ऊपर की तरफ, जो नीचे भी दिया है और ऊपर भी माइक्रोफोन, दो मतलब माइक्रोफोन देखने को मिलते हैं। और यहाँ पे बात करें इसके आगे की डिस्प्ले के बारे में दोस्तों, तो आपको आगे दो कैमरास देखने को मिलते हैं, जो कि सेल्फी कैमरा है 32 मेगापिक्सल का, और दूसरा कैमरा है 8 मेगापिक्सल का, वाइड एंगल शॉट के लिए, बुके इफेक्ट के लिए, तो आप दोनों में यूज़ कर सकते हो। इसमें इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट का ऑप्शन भी देखने को मिलता है। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना, और आप कुछ भी वीवो के बारे में इन्फॉर्मेशन पाना चाहो तो हमें कॉमेंट में ज़रूर बताना। तो थैंक यू सो मच, बाय बाय फ्रेंड्स।